नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और आईजीटीवी नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का दैनिक राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सिंपल से उपाय, पंचांग बताएंगे, दिन का लकी नंबर, लकी डायरेक्शन, लकी टाइम बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर करेगा। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है गुरुवार का, तारीख है 26 मई 2022। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी पर चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। दिन का लकी नंबर रहेगा 1। लकी कलर जो रहेगा वो रहेगा रेड। लकी डायरेक्शन जो रहेगी वो रहेगी ईस्ट। राहु काल रहेगा दोपहर को 2:02 से लेकर 3:45 तक। पंचक समाप्त हो रहे हैं अगले दिन रात को 12:39 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दिन रात। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा सुबह 7 से लेकर 9 तक। और विशेष क्या है, मित्र योग बन रहा है और इसी दिन अपरा एकादशी है। खास दिन है, खास दिन, भगवान विष्णु की ये एकादशी बड़ी विशेष कही जाती है और इसी को कही जाती है स्थिर एकादशी, इसे ही कही जाती है अचला, जो अचल हो वो एकादशी। और हमारा जो स्पेशल उपाय है वो भी अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी से ही रिलेटेड है और आपको बताएंगे विशेष कैसे संपत्ति में मुनाफा होगा, अचल संपत्ति में मुनाफा होगा, उसके लिए राशिफल आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करेंगे राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज के साथ में। कारोबारी तरक्की के योग हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। विदेश यात्रा के योग हैं, नए व्यापारिक अनुबंध होंगे, दाम्पत्य सुखद रहेगा। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए मक्का के दाने रखें। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, भाषा पर संयम रखें, बने बनाए काम बिगड़ने के योग हैं, कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, सेहत पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि क्रीम शेड के कपड़े पहनें। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाए की बात करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश से लाभ होगा, दूसरों से अधिक अपेक्षा ना रखें, अध्यात्म में रुचि रहेगी, छात्रों को खुशखबरी मिलेगी। उपाय ये करें कि थोड़ी सी हल्दी जल प्रवाह करें। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, कारोबारी विस्तार की योजना बनाएंगे, व्यर्थ चिंता से बचें, यात्रा में जल्दबाजी ना करें, लाभ के मौके हाथ से निकलेंगे, धन निवेश से बचें। उपाय ये करें कि पूजा घर में पीले चंदन का उपयोग करें। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, खर्चों में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, दाम्पत्य सुखद रहेगा, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, रोजगार में बढ़ोतरी के योग हैं। उपाय ये करें कि कागज़ पर हल्दी से श्रीम लिखकर जेब में रखें। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, करियर हेतु गंभीर फैसले लेंगे, मन में अनेक दुविधाएं रहेंगी, कारोबार में लाभ के योग है, सेहत पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि किसी भूखे को दाल रोटी खिलाएं। सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की बात करेंगे, पारिवारिक विवाद खत्म होंगे, छोटी यात्रा के योग है, रोजमर्रा के कामों में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे, भाषा पर काबू रखें। उपाय ये करें कि गाय को केला खिलाएं। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जीवन साथी सहयोग करेगा, कोई अशुभ सूचना मिलने के आसार हैं, धनहानि की संभावना है, धन निवेश से बचें। उपाय ये करें कि पीतल के पात्र में पानी भरकर ईशान कोण में रखें। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, कोई भी काम में जल्दबाजी ना करें, वाहन से सुख के योग हैं, पुराने दोस्तों से भेंट होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक लाभ के योग हैं। उपाय ये करें कि गरीब बच्चे को पीला कपड़ा दान करें। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, खान पान पर काबू रखें, कामकाज में भाई बहन सहयोग देंगे, कारोबार में उन्नति होगी, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी, विवाद के योग हैं। उपाय ये करें कि इच्छा अनुसार फलों का रस पिएं। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, पुराने निवेश से लाभ होगा, नई कारोबारी योजना बनाएंगे, कारोबारी समस्या सुलझेगी, सेहत ठीक रहेगी, जीवन साथी के सेहत की चिंता रहेगी। उपाय ये करें कि मौली में दुर्वा बांधकर पूजा घर में चढ़ाएं। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, खर्चों में वृद्धि होगी, सेहत का पूरा ध्यान रखें, जरूरी काम में देरी होगी, कारोबार में लाभ के योग हैं, अधिकारी वर्ग के लिए समय शानदार रहेगा। उपाय ये करें कि किसी गरीब बच्चे को कॉपी किताब भेंट करें। तो दोस्तों, अब समय आज के स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो संपत्ति में मुनाफा करवाएगा। देखिए, संपत्ति को अचल संपत्ति कही गई है, चल संपत्ति यानी कि गाड़ी वगैरह, और ये विशेष दिन है अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी, भगवान विष्णु को अचल भी कहा गया है और
विशेष क्या करना है आपको, भगवान विष्णु का पूजन करें और पीपल के पत्ते पर चंदन लगाकर भगवान विष्णु पर चढ़ाएं, और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम अचलाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, संपत्ति में निश्चित मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।